अनुपमा के एपिसोड में बहुत कुछ चल रहा है। फाइनली अनुपमा को तोशु मिल चुका है और तोशु को ज्ञान के मोती बांटने के बाद और इतनी बातें समझाने के बाद कि वो अपनी बेटी के साथ कैसे गलत कर सकता है, कम से कम वो एक अच्छा पिता तो बन ही सकता है, ये सब बातें कहकर तोशु को पिघला देती है। और तोशु परी की कसम लेने के बाद छोटी परी को अनुपमा के हाथों में दे देता है और जिसके बाद वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और वनराज को भी उसकी गलतियां बताता है। तोशु बोलता है कि आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप मुझसे मेरी बेटी छीन लो, जिसके बाद सभी घर वालों के साथ तोशु घर में आता है और इतना देखने के बाद ही किंजल रोने लग जाती है और परी को गोद में उठा लेती है, जिसके बाद तोशु से किंजल ये कहती हुई नजर आती है कि मैं डिवोर्स बाद में दूंगी, लेकिन मैं पहले किडनैपिंग का केस दर्ज करूंगी, जिस पर सभी घरवाले शॉक हो जाते हैं। वेल, अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह तोशु जो है वो के पैर पड़ने लग जाता है और सभी से उनका हाथ उठवाकर मारने लग जाता है और कहता है कि मुझे मार डालो लेकिन मुझे एक चांस जरूर दे दो, जिस पर सभी घरवाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वेल, आपको क्या लगता है, क्या किंजल माफ कर देगी तोशु को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।